तो गाइज आज मैंने ये जो लुक क्रिएट किया बहुत ही सिंपल तरीके से क्रिएट किया है, ताकि जिनको मेकअप बिल्कुल भी नहीं आता है वो इजी तरीके से मेकअप सीख सके। जिनके पास ब्रश नहीं है, ब्लेंडर नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट वो हाथों से बहुत अच्छा मेकअप कर सकते हैं गाइज। तो आप देख सकते हो मैंने पूरा अपना जो मेकअप क्रिएट किया है तो हाथों से ही किया है। जिन जो बिगिनर बिल्कुल जिनको मेकअप नहीं आता, या जिनकी नई शादी हुई है बट उन्हें अभी मेकअप सीखना है, मेकअप नहीं आता करना, लेकिन शादी के बाद तो मेकअप करना पड़ेगा। तो बस इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की मैंने कोशिश की है कि आप इस तरीके से, और आपके पास अगर प्रोडक्ट भी कम है मेकअप के तो आप उसके हिसाब से भी बहुत अच्छा मेकअप कर सकते हो। और ऐसा मेकअप जो आप सुबह करोगे ना तो शाम तक एकदम आपके फेस पर टिका रहेगा गाइस, ऐसा वाला मेकअप। तो आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी तभी आपको समझ में आएगा कि मेरा मेकअप लुक कैसा लगा, आप देख के ज़रूर बताइएगा गाइस। तो गाइस आप मेरा ब्लाउज देख सकते हो, मैंने येलो साड़ी के साथ इसके साथ कुछ दूसरा ब्लाउज था गोल्डन कलर का, तो मैंने इसके साथ ऑरेंज मैच करके ये मैंने खुद सिलाई करी है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कैसा लगा मेरा ब्लाउज़। तो आप देख सकते हो सेम ऐसे ही है दोनों तरफ, ऐसे मैंने इसकी बाजू बनाई है और कलर भी मैंने बहुत अच्छे से कॉम्बिनेशन मैच करके बनाया। तो आप ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा मेरा ब्लाउज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम करेंगे मेकअप, तो मेकअप से पहले आपको चाहिए आइस क्यूब। तो गाइस यहाँ पे मैंने आइस क्यूब ले लिया है, उसे अच्छे से पूरे फेस में अप्लाई कर लूँगी, हल्के हल्के थोड़ा सा रुक रुक के मैं पूरे फेस में उसको अच्छे से मसाज कर दूँगी आइस क्यूब से। और गाइस इसके बाद मैं जो भी मेरे एक्स्ट्रा पानी मेरे फेस में लग गया आइस क्यूब से, तो मैं उसको डैप डैप करके सुखाऊँगी, पोछूँगी नहीं। तो आप ये प्रोसेस करेंगे ना तभी आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग होगा, ठीक है। फ्रेंड्स इसके बाद हम लगाएंगे मॉइस्चराइजर। तो गाइज आप ये मत सोचो कि गर्मी का टाइम चला तो आप मॉइस्चराइजर स्किप कर दो, ऐसा मत करो, आप मॉइस्चराइजर ज़रूर लगाएं। तो आप कोई सा भी मॉइस्चराइजर ले सकते हो जो आपके पास हो, ठीक है। तो आप को लेके बहुत ही थोड़ा कम क्वांटिटी में लेके आपको पूरे फेस में अच्छे से अप्लाई करना है इसको, इसको भी 5 मिनट तक के लिए हम छोड़ देंगे। और इसके बाद हम लगाएंगे लिप बाम। तो जो भी आपके पास लिप बाम है तो आप वही लिप बाम लगा लें, और इसको थोड़ा सा फिंगर से करने से ना क्या होगा, एक्स्ट्रा जो लिप बाम होगा ना उसको मॉइस्चर, क्योंकि हम तो जो एक्स्ट्रा होगा वो निकल जाएगा और हमारे लिप्स भी मॉइस्चराइज रहेंगे अंदर से। तो बाद हम लगाएंगे यहाँ पे प्राइमर। तो गाइस जो भी आपके पास प्राइमर अवेलेबल है ना तो आप वो ले लो, ठीक है। नहीं है तो आप एलोवेरा जेल ले लो, एलोवेरा जेल भी बहुत अच्छा काम करता है। तो यहाँ पे लेंगे हम प्राइमर, तो यहाँ पे मैंने लैक्मे का लिया है, ठीक है। तो गाइस जब भी आप प्राइमर लगाएं कुछ भी लगाएं तो आपको टैप टैप करके हल्के हाथों से आपको लगाना है। आपको ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा इसको रगड़ दो अपने फेस में, जिसकी वजह से बहुत ही केकी सा, बहुत ही गंदा सा आपका मेकअप लगे। तो आपको इस बात का खास ख्याल रखना, ठीक है। और आपको इसको भी लगाने के बाद 5 मिनट के लिए छोड़ देना, आप कुछ भी लगाओ उसके बाद 5 मिनट तो कम से कम छोड़ो ही। इससे क्या होता है ना, हमारे मेकअप को थोड़ा सेट होने के लिए टाइम मिल जाता है, ताकि हमारा जो मेकअप होता है ना वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है, अच्छे से चलता है। तो गाइस इसके बाद यहाँ पे मैं लगाऊंगी लैक्मे सीसी क्रीम। तो यहाँ पे आप लैक्मे सीसी क्रीम लो या तो फाउंडेशन लो, दोनों ही बहुत अच्छे वर्क करते हैं। तो गाइस यहाँ पे लैक्मे सीसी क्रीम मैंने लगा लिया है। तो गाइस जब भी आप मेकअप करो ना तो अपने पहला वाला स्टेप जो फॉलो कर लिया ना, तो फिर आपका मेकअप पूरा दिन टिका रहेगा, चाहे आपके फेस में जितना पसीना है, चाहे जितनी आप गर्मी में रहो, ठीक है, सारा दिन आपका मेकअप आपके फेस पर टिका रहेगा। तो गाइस इसी को मैं कंसीलर के तौर पर यूज कर लूँगी, थोड़ा मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में लेके अपने आईज़ के आसपास लगा लिए, ताकि मेरा कंसीलर का काम भी कर दे, हमें अलग सा कुछ ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा आपके डार्क सर्कल है, बहुत ज़्यादा गाइस, तभी आप कंसीलर यूज करें, अदरवाइज इससे भी काम आपका चल जाएगा। तो यहाँ पे मेरा फाउंडेशन भी कंप्लीट हो गया, अब इसको मैं 5 मिनट सेट होने के लिए टाइम दूंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लगाएंगे अभी कॉम्पैक्ट। तो गाइस उसी स्पॉन्ज से मैंने लगा लिया जो कॉम्पैक्ट के साथ रहता है, मैंने कोई अलग से यहाँ पे ब्रश वगैरह यूज नहीं किया है, ठीक है। तो मैंने उसी से अच्छे से कॉम्पैक्ट लगा लिया, तो देख सकते हो आप अच्छे से सेट हो गया। बस आपको दबा दबा के नहीं करना, बहुत ही हल्के हल्के हाथों से अपने फेस में इसको अप्लाई करना, लगाना है। इसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे ब्लश। तो गाइस यहाँ पर मैंने चारों जो मेरे ब्लश के कलर है, मैंने चारों को मिक्स करके लगाती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लश मेरा फेवरेट है, क्योंकि बिना ब्लश के तो मेरा मेकअप कम्प्लीट होता नहीं, शायद किसी का भी बिना ब्लश के मेकअप कम्प्लीट नहीं होता। तो यहाँ पर मैंने लिया ब्लेस, तो आप देख सकते हो कितना खिल के ब्लेस आ रहा है। तो गाइस इसके बाद आता है नंबर हमारे एब्रो को जरा हाईलाइट करने के लिए, तो थोड़ा सा अच्छी अच्छी दिखे। तो यहाँ पे लोकल मार्केट से मैंने एब्रो पेंसिल लिया था, उसी से हम यूज कर लेंगे। और यहाँ पे जो मैंने अपने एब्रो को फिल किया है ना, उसके लिए मैंने यूज किया मस्करा, मेरे पास खाली पड़ा हुआ था तो उसका मैंने यूज कर लिया, ठीक है। तो अच्छे से आप देख सकते हो मेरे बिना मतलब आपको फिल करने के लिए लाने की जरूरत नहीं है कि आप एब्रो फिल करने के लिए कुछ अलग से लो, उसी से हमारा काम चल गया। इसके बाद हम करेंगे अपने आईज का मेकअप। जरा यहाँ पे मैं आई शेडो से अपनी आँखों को चमका लूँ। तो गाइस यहाँ पे पहले मैंने लाइट कलर लिया, इसके बाद मैं धीरे धीरे करके इसमें डार्क करती जाऊँगी, ठीक है। तो ये भी मैंने हाथों से किया, मैंने अलग सा कुछ ब्रश वगैरह नहीं यूज किया। तो देख सकते हो आप अच्छे से ही मेरे
आइस पे ब्लेंड हो गया है। बस आपको इस बात का खास करना कि आपको जल्दबाजी में आकर जल्दी जल्दी मेकअप नहीं करना, थोड़ा सा टाइम लेके मेकअप करें। और साथ ही आपको मेकअप करना है जहाँ पे थोड़ा सा ठंडा हो, यानी कि आप गर्मी वाली जगह पे बैठे मेकअप करो तो फिर आपका मेकअप नहीं टिकेगा, ठीक है, क्योंकि वहीं पर ही वो मेकअप ख़राब होता जाएगा। तो आप जहाँ पर पंखा चल रहा हो, कूलर चल रहा हो, एसी चल रहा हो, वहाँ पर जाके मेकअप करो तो थोड़ा सा आपका मेकअप अच्छे से सेट होने के लिए वो सेट होता रहेगा और फिर आपका मेकअप पूरा दिन चलेगा। कोई उसमें दिक्कत नहीं कि आपको पसीना आएगा तो मेकअप ख़राब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। तो गाइज यहाँ पे मैंने लगा लिया है आईलाइनर, तो आईलाइनर जो आपके पास हो आप वही लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी हम लगाएंगे मस्करा, तो मस्करा को आप ना 2 से 3 कोट कर दोनों, तो आपको अलग से कुछ यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका इसी में से आपकी पलकें बहुत ही हैवी भारी सी अच्छी सी लगने लगेंगी, थोड़ा सा मोटी मोटी सी, तो आप इसी को यूज कर लो। एक बार लगाया फिर थोड़ा सा जब तक इसमें लगाया फिर दोबारा लगा ले, 2 से 3 कोट कर दो, इसके बाद आराम से आपकी पलकें हैवी हैवी लगेंगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी यहाँ पे हम लगाएंगे काजल, और काजल लगाते ही हमारे आईज का मेकअप कंप्लीट हो गया, लगभग हमारा सारा मेकअप कंप्लीट हो गया, आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लगाएंगे लिपस्टिक, क्योंकि बिना लिपस्टिक के तो हमारा मेकअप कंप्लीट ही नहीं होता है। तो गाइस यहाँ पे मैंने रेड कलर की लिपस्टिक लगाई है, तो आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम लगाएंगे बिंदी, और इसके साथ ही मैं अपना ऑफ कैमरा में अपना हेयर स्टाइल बना लूँगी, वेडिंग वगैरह पहन लेती हूँ ताकि आपको फाइनल लुक दिखा तो सकूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो और आपने मुझे वीडियो देख भी ली हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरा लुक कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट।